हद हो गई यार, तुम लोग खेसारी लाल यादव के बारे में हमेशा ऐसे वैसे बोलते हो, वो तक हम लोग सहन करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के तुम लोग टाइटल चुराओगे ये हम लोग कभी नहीं सहन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। क्यों गुस्से में हूँ इसका वजह भी आप लोग जरूर जानिएगा। आगे वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आज मुझे गुस्सा क्यों आया है। तो इस गुस्सा का वजह कौन है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर और हर जानकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी स्टार का अपना अपना एक टाइटल है। जैसे कि आप लोग को बता दें खेसारी लाल यादव का टाइटल है हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, बहुत सारे ऐसे टाइटल हैं खेसारी लाल यादव के, और पवन सिंह के पावर स्टार, रिकॉर्ड मशीन, ऐसा करके कुछ टाइटल है। लेकिन अब आप लोग को बता दें कि अब क्या हो रहा है कि लोग टाइटल भी चोरी करने लगे हैं। हद हो गई यार, तुम लोग खेसारी लाल यादव के बारे में हमेशा ऐसे वैसे बोलते हो, वो तक हम लोग सहन करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के तुम लोग टाइटल चुराओगे ये हम लोग कभी नहीं सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेंडिंग स्टार का जगह दूसरा कोई और ट्रेंडिंग स्टार नहीं हो सकता है। मैं पवन सिंह का बुराई कभी नहीं करता हूं, मैं पवन सिंह के बारे में कभी गलत नहीं बोलता हूं, क्योंकि हम और हमारे खेसारी लाल यादव नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दूसरे का बुराई करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमेशा उंगली करते रहते हैं कि अरे भाई तू कर बुराई, तू कर बुराई, तू चुप क्यों है। ऐसा कुछ लोग हैं, सब लोग को नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा लोग है जो ऐसा करने पर हमें मजबूर कर रहे हैं। आप लोग को बता दें जो खेसारी लाल यादव की नथुनिया सॉन्ग की जो एक्ट्रेस है उनका एक वीडियो मैंने देखा कुछ ऐसा करके निकाल हुआ था कि पवन सिंह के बारे में ऐसा बोली, तो मैंने सोचा कि उसको देखते हैं क्या बोली है। तो वैसा तो कुछ नहीं था उस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में जो आदमी वॉइस ओवर कर रहा है वो क्या कह रहा है कि अब पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार हो गए हैं, अब खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, अब पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार हो गए हैं, हर पवन सिंह के गाने ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, इसलिए पवन सिंह को अब ट्रेंडिंग स्टार कहा जाने लगा। सबूत के लिए आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग पावर स्टार रिकॉर्ड मशीन पवन सिंह, जिनके गाने महीनों महीनों तक ट्रेंड करते हैं, जिसके लिए उनको ट्रेंडिंग स्टार भी कहा जाने लगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पवन सिंह का कोई भी गाना आता है ट्रेंडिंग में आता ही आता है। इस वीडियो में आप लोग ने सुना कि कैसे ये गधा पवन सिंह को ट्रेंडिंग स्टार के नाम से घोषित कर रहा है। तो भाई एक बात तुम्हें बता देता हूं कि हम लोग कभी खेसारी लाल यादव को पावर स्टार नहीं कहते हैं, तो तुमको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि पवन सिंह को ट्रेंडिंग स्टार कहना पड़ गया। और ट्रेंडिंग स्टार कोई गाने को ट्रेंडिंग आने में ट्रेंडिंग स्टार नहीं बनता है। अगर ऐसे होने लगता तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने ट्रेंडिंग में आते हैं तो उनको भी ट्रेंडिंग स्टार कहा जाने लगता। ट्रेंडिंग स्टार का दर्जा खेसारी लाल यादव को इसलिए मिला है क्योंकि खेसारी लाल यादव का गाना सबसे पहले ट्रेंडिंग में गया है, खेसारी लाल यादव की फिल्म सबसे पहले ट्रेंडिंग में गई है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो सबूत हमसे मांग लिया करो, सबूत यहां पर तुम लोग देख सकते हो, ये है सबूत, खेसारी लाल यादव सबसे पहले ट्रेंडिंग में गए, इसीलिए खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। और अब तुम कहते हो कि पवन सिंह के सभी गाने आते हैं इसलिए पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार हो गए, तो यहां पर मैं तुम्हें एक कहावत याद दिलाना चाहता हूं कि दो चार दिनों के लिए शेर अगर जंगल से बाहर चला जाता है तो जंगल के राजा कोई और नहीं हो जाता है। अगर कोई कुत्ता बिलार जंगल का राजा बनेगा और जैसे ही शेर को पता चलेगा, वापस शेर जब आएगा तो उसको फाड़ के रख देगा। इसीलिए तुम कह रहा हूं कि किसी और का दर्जा किसी और को मत दो, पवन जी अपने जगह पर पावर स्टार है और खेसारी लाल यादव अपने जगह पर ट्रेंडिंग स्टार है। अब इनको ट्रेंडिंग स्टार कहने का भूल मत कहो और इनको पावर स्टार कहने का भूल मत करो, क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका अलग अलग दर्जा है और जो जिसका दर्जा मिला है उसी दर्जा पर कायम रहने दो। पावर स्टार अपने जगह पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार अपने जगह ट्रेंडिंग स्टार है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे तुच्छ और मूर्ख प्राणी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का न्यूज बनाने लगे हैं और कुछ भी मुंह से बड़बड़ा देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। तो वही चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं इस वीडियो बनाया। आप लोग को ये वीडियो कितना पसंद आया, और मैं तो वीडियो के माध्यम से जवाब दिया, आप लोग कमेंट के माध्यम से वैसे वैसे लोगों को जवाब दिया कीजिए। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखें अपने भाई के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।